घर से निकलकर कॉलेज जाते वक्त उस लड़की या उसके घर वालों को यह अंदाजा तक नहीं हुआ होगा कि आज उनके घर की बेटी के साथ एक ऐसी घटना घट जाएगी जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। दरअसल हापुड़ से ऐसी ही पीड़ा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला पन्नापुरी की रहने वाली कीर्ति सिंह, जिसके साथ एक ऐसा दर्दनाक हादसा हो गया जो उस मासूम लड़की की मौत का कारण बन गया। दरअसल 3 दिन पहले 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा मोबाइल लूट के दौरान चलती ऑटो से छात्रा सड़क पर गिर गई थी, जिसके बाद कल देर रात उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका आज परिवार वालों ने गमगीन माहौल में ब्रज घाट में अंतिम संस्कार किया। घटना की जानकारी देते हुए कीर्ति के भाई अंकित ने कहा कि कीर्ति सिंह का अभी 1 महीने पूर्व ही गाजियाबाद के EVS कॉलेज में BTech में एडमिशन हुआ था। 27 तारीख की शाम जब कीर्ति सिंह अपने कॉलेज से ऑटो में बैठकर हापुड़ वापस लौट रही थी, तभी गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के LH9 पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की। उस दौरान छात्रा कीर्ति सिंह के विरोध करने पर बदमाशों ने जैसे ही मोबाइल छीनने के लिए झपट्टा मारा तो छात्रा चलते हुए ऑटो से सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आईं। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन 72 घंटे के बाद देर रात छात्रा कीर्ति सिंह जिंदगी की जंग को हार गई। हमारी बहन का निधन हो गया है, जो अभी जो अपने कॉलेज से आ रही थी, जो 2 लड़के आए बाइक सवार जिन्होंने उसे छीना झपटी करी फोन दी। तो कहाँ पढ़ती थी और कौन सी क्लास की छात्रा थी? ABS में पढ़ती थी वो, BTech फर्स्ट ईयर थी। मैं अभी एडमिशन हुआ था उसका 1 महीने पहले। तो क्या मामला हुआ था उनके साथ? वही चैन वैन खींचने वाले लोग थे। फोन वोन था उसके हाथ में ऑटो में, उन्होंने फोन वोन खींचा जिससे वो भी खींच गई और वो चलते ऑटो से सड़क पर गिर गई, जिससे उसके सिर में बहुत इंजरी आई और सीरियस कंडीशन रही। 3 दिन तक होश नहीं आया बिल्कुल भी। वेंटिलेटर पर थी सारा टाइम और कल रात उसका निधन हो गया। तो प्रशासन द्वारा किस तरह की आपकी मदद की और क्या आप इंसाफ के लिए गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से तो जी हमें पूरी सपोर्ट मिली है, पूरी उन्होंने मदद करी हमारी, बाकी हम चाहते हैं कि न्याय मिले हमें। तो वहीं कीर्ति सिंह की मौत के बाद परिवार में जहां मातम का माहौल पसरा रहा, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले ही एक बदमाश को मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे फरार चल रहे बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को देर रात पुलिसिया मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तो वही परिवारी जनों ने प्रशासन के इस त्वरित कार्रवाई और सरकार के न्याय का धन्यवाद किया और साथ ही दूसरे आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। बहरहाल आए दिन ऐसी तमाम दिल दहला देने वाली घटनाओं से लोगों को दो चार होना ही पड़ता है, लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने जनता की तमाम परेशानियों को निपटाने के लिए एक उम्मीद जरूर कायम की है। इंडिया पब्लिक खबर के लिए हापुड़ से संवाददाता सुनील गिरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को जरूर दबाएं।